हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इंसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल को हिट किया, 32,000 से ऊपर हमने देखा बिटकॉइन को जाते हुए एंड डेफिनेटली वहां पे रेजिस्टेंस था तो वो अभी इस वक्त प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है नेक्स्ट इमीडिएटली आवर्स में एंड इसका इंपैक्ट जो ओवरऑल मार्केट में क्या देखने को मिलेगा इन सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड यही नहीं, मई मंथ का हमें क्लोजर मिल गया तो क्लोजर क्या कहता है और आने वाले जो डेज है जून के मंथ में वो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन सबके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपका टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो सैनिटी है, कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि ऊपर से आप ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता। आप अगर मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जो दिया हुआ है आप लोगों को वो जरूर जाके चेक करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। एंड अगर उसके बेसिस पे आप प्लान करोगे तो आप अच्छा खासा स्विंग ट्रेड भी निकाल पाओगे। एंड यही नहीं, इसके अलावा आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी प्लान उसके हिसाब से कर सकते हो। तो ज्यादा डिटेल के लिए जरूर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, जरूर जाके चेक कीजिएगा, पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो विदाउट डिले अब शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन के चार्ट के। बिटकॉइन के चार्ट पे अभी इस वक्त हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन कल के दिन हमें क्लोजर कहां पे देखने को मिला? क्लोजर देखने को मिला $31,762, हाईएस्ट जो रीच किया $32,275 के नियर बाय। और अभी इस वक्त हम ऑलरेडी जो है लगभग मोर देन 0.5% जो हम डिक्लेनेशन देख चुके हैं सुबह से। तो क्या हो सकता है आने वाले आवर्स में, इसकी बात कर लेते हैं क्विक आवर्स में। 1 आवर के चार्ट पे सबसे पहले 21 ईएमए हमने ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा जो मिलेगा 31,200 के आसपास है। इफ वी आर एबल टू होल्ड दिस लेवल ऑन 1 आवर चार्ट फॉर द नेक्स्ट टू टू थ्री आवर्स देन इट इज ओके, अदरवाइज हम नीचे भी स्लिप कर सकते हैं टुवर्ड्स 30,000 एज पर 1 आवर चार्ट। डू रिमेंबर दैट एंड यस इट इज पॉसिबल। स्पेशली मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मैं 2 दिन से बता रहा हूँ एंड डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस अब देखने को मिल रहा है, प्ले आउट हो रहा है। बट यस 1 आवर के चार्ट पे अगला जो 2-3 घंटे है उसमें इंपॉर्टेंट होगा इस लेवल को ना ब्रेक करें। अगर ब्रेक करता है देन डेफिनेटली हम नीचे टुवर्ड्स 30,000 हम बढ़ रहे हैं, इसमें कोई आप डाउट मत रखना। वही बाकी के इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यस काफी हद तक रिट्रेसमेंट जारी है। एंड बाकी के इंडिकेटर्स अगर RSI की बात करूँ तो RSI भी जो है काफी हद तक डिक्लेनेशन जोन में अभी रिसेंटली जो है कह सकते हो लेट इवनिंग के आवर्स के बाद जो कंटिन्यूसली डिक्लेनेशन जोन में जाता हुआ चला गया। एंड डेफिनेटली जो है जो हमें सपोर्ट दे रहा था वो नीचे ढलता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहां पे आने वाले जो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स है स्पेशली 4 to 8 आवर्स उसमें आपको डिक्लेनेशन देख सकता है बिटकॉइन में। एंड इफ वी आर एबल टू होल्ड दिस लेवल फ्रॉम करंट लेवल यहाँ पे के आसपास लेन 40 के आसपास अगर हम होल्ड कर लेते हैं देन डेफिनेटली वी विल सी अनदर बाउंस बैक इन कमिंग डेज। बट यस उससे पहले अभी आपको रिजेक्शन जो है कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से 4 आर के चार्ट पे भी यही चीज कंफर्म हो रहा है। 4 आर के चार्ट पे आप RSI देखोगे, मैंने आपको कहा था कि ये कुछ इस जोन के अंदर है एंड डेफिनेटली हम जिस हिसाब से ओवरसोल्ड जोन में गए हैं यहाँ पे हम सस्टेन करेंगे। इफ यू आर एबल टू होल्ड अबव 60 लेवल देन डेफिनेटली प्राइस फिर भी साइड रिजेक्शन में अबव जा सकता है। बट यहाँ पे अब देखोगे RSI कल के दिन 83 था, वहां से गिरते हुए अभी 66 के आसपास है। अभी भी हम 60 के आसपास जब तक मेंटेन है तब तक वी आर स्टिल सेफ जोन में है। अगर यहाँ पे कंफर्म होता है, अगर हम डिक्लाइन करते हैं आने वाले कपल ऑफ आवर्स में और क्लोजर ले लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी अगेन ये जो ब्रॉडनिंग वेज आप देख रहे हो इसी वेज के अंदर हम चलते हुए देखेंगे। एंड यानी कि प्राइस एक्शन अभी आपको नीचे दिखेगा इमीडिएटली शॉर्ट आवर्स में जाने में, कंफर्म होने में। अगला जो 4 आवर है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, चाहे 1 आवर का चार्ट हो चाहे वो 4 आवर का चार्ट है, तो इसके ऊपर नजर रखना। अगर ये डिक्लेनेशन होता है डेफिनेटली हम वापस से एवरेज लाइन नीचे डिक्लाइन होते हुए देखेंगे। ऐसे सिनेरियो में प्राइस एक्शन पे क्या होगा वो मैं बता देता हूं। फिलहाल अगर इंडिकेटर्स की बात करूं अभी भी पॉजिटिव बना हुआ MACD, डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिवर्सल नाउ एटलीस्ट इन शॉर्ट मोमेंटम, मे बी नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स के लिए मार्केट जो है साइडवेज एक्शन से या फिर नीचे की तरफ हमें बढ़ता हुआ देखेगा। देन उसके बाद ऑब्वियसली हम वापस से रिट्रेस कर सकते हैं। डू रिमेंबर 4 आवर के चार्ट पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा 30,800 के नियर बाय। एंड डेफिनेटली कल के दिन मैंने आपको कहा था कि इस जोन के आसपास हमें रेजिस्टेंस फिर से देखने को मिल सकता है, वही हुआ $32,375 हाईएस्ट पीक रीच किया एंड वहां से हमें डिक्लेनेशन देखने को मिल रहा है। सपोर्ट निकाल से 80 के बिलो गिर गया, डेफिनेटली आने वाले जो कंसेक्यूटिव आवर्स है उसमें या तो साइडवेज एक्शन रहेगा इस रेंज के आसपास 30,800-900 के आसपास, या फिर हम डिक्लाइन करते हुए देखेंगे प्राइस को फर्दर नीचे भी और जो नीचे का सपोर्ट जोन है 30,000 का लेवल वो भी रीटेस्ट हो सकता है अलग चार्ट पे। और भी मैं दिखाऊंगा डिफरेंट चार्ट पे, बट यस मोमेंटम वाइज वी आर स्टिल इन द पॉजिटिव मोड। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर अगले 4 to 8 आवर्स में अगर हम ज्यादा डिक्लाइन नहीं करते हैं, होल्ड करते हैं, देन इट इज गुड, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ डंप इन
क्विक आवर्स, तो इसके ऊपर नजर रखूंगा मैं और आपको अपडेट देता रहूंगा। वनडे के चार्ट पे अभी अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो बहुत अच्छा सपोर्ट है 30,800 के आसपास। सेम जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग चार्ट पे दिख रहा है। अगर मैं वनडे की जो बात करूँ तो अभी भी सपोर्ट 95 एंड डेफिनेटली हम जब तक 80 के अब रहेंगे, साइड रिजेक्शन में भी प्राइस ऊपर इसी जोन के आसपास प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगला जो 4 to 8 आवर है वो बहुत क्रिशियल रोल प्ले करेगा। अगर हम वो सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं, अगर हम इसी लेवल को होल्ड करते हैं 30,800 या फिर उसके अबव, देन इट इज रियली गुड फॉर बिटकॉइन। बट यस, अभी फिलहाल जो है शॉर्ट आवर्स में थोड़ी देर के लिए हमें मोमेंटम चेंज होता हुआ दिखेगा, एंड डेफिनेटली जो है ऐसा कुछ मोमेंटम आपको कंफर्म होता हुआ दिखेगा आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में। लेकिन शॉर्ट आवर्स पे 15 मिनट्स के स्ट्रैटेजी चार्ट पे जो कि मैंने आपको दिया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ, अगर नहीं आपके पास ये इंडिकेटर्स तो जरूर जाके चेक करो, आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली जो है यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन वापस से बन गया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 31,200 है, एंड देन उसके बाद 30,867। ये सारे लेवल उसी जगह के आसपास इंडिकेट कर रहे हैं कि 30,800 के नियर बाय, 900 के नियर बाय बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन उससे ऊपर भी हमें 31,200 के आसपास सपोर्ट देखने को मिलेगा। जब तक हम इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं, वी आर स्टिल इन दिस अपर जोन। लेकिन मेरे हिसाब से वी आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ करेक्शन, मे बी अप टू 30,000 तक भी हम देख सकते हैं अगले 48 आवर्स के अंदर। सो डू रिमेंबर दैट हमें जून का जो मई का क्लोजर है वो मिल चुका है 15 मिनट्स के चार्ट पे। अगर मैं सीपीआर चार्ट की बात करूं, हम डिक्लाइन होते हुए देख रहे हैं करंट लेवल को। 31,600 का लेवल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा, अभी हमें रेजिस्टेंस देगा। इफ यू आर देखो बहुत ही ज्यादा जो है सीपीआर चार्ट स्क्यूज हो चुका है, डेफिनेटली यहाँ पे बड़े मूव आ सकते हैं। बट सीपीआर चार्ट जो है अभी बहुत ही ज्यादा स्क्यूज। अगर नीचे सपोर्ट की बात करूं 31,192 यानी 200 के आसपास जो है, 31,200 के आसपास सपोर्ट है। अगर वो लेवल ब्रेक करता है 30,600, वेरी नेक्स्ट लेवल इज 29,944 लेवल, इवन $29,413 एज पर सीपीआर चार्ट। वहीं अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं 31,800 होल्ड करते हैं या फिर ब्रेक करते हैं अगले 4 to 8 आवर्स में, देन डेफिनेटली टारगेट वुड बी अगेन $32,346, एंड उसके नेक्स्ट याद रखना 33,000 के नियर बाय अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड एज पर मैं 12 आवर के चार्ट पे याद दिलाना चाहूंगा कि वी आर स्टिल ऑन ट्रैक। जब हमने ब्रेकआउट दिखाया मैंने आपको कहा था कि नाउ वी कैन सी सम काइंड ऑफ साइडवेज एक्शन, तो अभी इस बात को काफी टाइम हो गया, लगभग 2 दिन हो गए हैं इसी जगह पे हम घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है $31,250। अगर हम होल्ड करते हैं 12 आवर के चार्ट पे इस लेवल को, तो डेफिनेटली याद रखना अभी भी हम इस तरफ बढ़ सकते हैं 33,600-700 के फिगर की तरफ। वहीं पे 21 EMA जो है वो $30,273 के आसपास है। कभी भी बिटकॉइन डिक्लाइन होता दिखे तो ये सारे सपोर्ट लेवल वो लेवल है जहां पे हमें बाउंस दिख सकता है। लेकिन अभी भी हम 12 आवर चार्ट पे डेफिनेटली जो है बुलिश जोन में बने हुए हैं, इस चीज को आपको भूलना नहीं है। बट यस, शॉर्ट आवर्स में अगले जो 4 to 8 आवर्स का जो मूव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कैसे क्लोजर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड डेफिनेटली मैं बात करूंगा मंथली चार्ट पे, लेकिन उससे पहले मैं दिलाना चाहूंगा याद कि शॉर्ट एंड जो लॉन्ग का पोजीशन है वो भी अभी भी होल्ड कर रहे हैं उसी जोन के अंदर। शॉर्ट पोजीशन जरूर डिक्लाइन हुआ है, अभी हम नीचे के जोन को टेस्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे टेस्ट किया, हमें रिजेक्शन मिला, यहाँ पे टेस्ट किया, देर कुड बी द बाउंस। एंड अगर ये बाउंस मिलता है डेफिनेटली बिटकॉइन जो है टुवर्ड्स 29,000 बढ़ता हुआ देख सकता है। लेकिन ये अचानक से नहीं होगा, विद प्राइस एक्शन ही होगा। लेकिन लॉन्ग के पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, मैकडी भले रेड बना हुआ है, मोमेंटम जरूर डाउन जा रहा है, लेकिन पोजीशन अभी भी मेंटेन कर रहा है साइडवेज एक्शन में। दिस इज रियली यू नो डिफरेंट साइन जो अभी तक हिस्टोरिकली हमने देखा नहीं है। बट अगेन मैं बात करूंगा डिफरेंट चार्ट पे, एज पर वन डे चार्ट, एज पर दिस चार्ट वी आर स्टिल लुकिंग गुड। हमें 50 के आसपास जो है रेजिस्टेंस मिलता है, वन डे के चार्ट पे हमें RSI जो है रेजिस्टेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि RSI जो है उसी जगह पे हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ये लेवल होल्ड कर लेते हैं इस पूरे वीक, और अल्टीमेटली हम इस लेवल के नीचे तो जरूर आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इसे होल्ड करते तो ऊपर चले जाते हैं, दिस इज रियली गुड साइन फॉर बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ इन दैट केस। बट अभी के लिए हमें इंतजार करना होगा एटलीस्ट 5 से 10 दिन की कैसे बिहेव करता है इस जगह पे। डेफिनेटली अभी हम डिक्लाइन होने जा रहे हैं, लेवल्स मैंने बता दिया, उस लेवल के आसपास कैसे सपोर्ट मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बात करूंगा मैं मंथली चार्ट पे, लेकिन वीकली चार्ट पे सी दिस बॉन्स, बट ये बॉन्स अभी भी हम कह सकते हैं कि परमानेंट बॉन्स नहीं है। डेफिनेटली वी कुड सी सम काइंड ऑफ यू नो रिवर्सल, एंड जो अभी मैंने आपको बताया है अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली जो है अभी भी हमारा वीकली चार्ट भले ग्रीन बने लेकिन हम अभी भी स्ट्रगल करेंगे 30,000 के आसपास। एंड डू रिमेंबर इसका जो मेजर जो रीजन है वो है RSI, RSI में हम अभी भी एवरेज लाइन के बिलो बने हुए हैं, एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग नियर बाय 35। जब तक 40 के अबव नहीं जाते हैं वी कांट से, इनफैक्ट मैं कहूंगा व्हाइट लाइन शुड बी ऑलवेज अबव दिस येलो लाइन। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यस, मोमेंटम विल बी द रिवर्सल साइन। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सम साइडवेज एक्शन, चौथा वीक है मैंने आपको बताया हुआ है, जब से ब्रेक किया है कम से कम 6 से 15 हफ्ते लग सकते हैं, इसमें से 4th वीक ये चल रहा है। डेफिनेटली अगर ये वीक का ग्रीन कैंडल क्लोज होता है डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग द रेड कैंडल नेक्स्ट वीक। अगर ये कैंडल ज्यादा ग्रीन नहीं क्लोज करता देन आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर ग्रीन कैंडल नेक्स्ट वीक। सो अभी फिलहाल वीकली कैंडल के क्लोजर पे हमें इंतजार करना होगा। बट
एज पर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ ह्यूज रेजिस्टेंस नियर बाय 33,608 डॉलर। याद रखना अलग अलग फिगर पे 12 आवर के चार्ट के ब्रेकआउट भी यही बता रहा फिगर, लगभग 33,800 के नियर बाय का फिगर एंड यहाँ पे 33,600 का फिगर। तो ये सारे जो फिगर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले आउट करेंगे एंड देयर कुड बी द पॉसिबिलिटीज कि हम इसी वीक इस लेवल को रीच करते हुए देखें, मे बी फ्राइडे के आसपास या उससे पहले। बट उससे पहले जो अभी शॉर्ट आवर्स में मैंने बताया उसको प्रायोरिटी ज्यादा देना है। और बॉलिंजर बैंड की बात करूं, बॉलिंजर बैंड इज शोइंग सम काइंड ऑफ यू नो रेजिस्टेंस ऑन द ब्लू जोन, दैट इज ओके। जो सपोर्ट लेवल है वो मिलेगा 30,500 के आसपास अगर हम नीचे जाते हैं। अभी बहुत जरूरी है इस लेवल के ऊपर मेंटेन रहना, 30,000 का जो लेवल है अगर हम मेंटेन करते हैं, इनफैक्ट वर्स्ट केस सिनेरियो विल बी द 29,900 का लेवल अगर हम मेंटेन करते हैं, देयर इज स्टिल द बुलिश टेरिटरी में हम रहेंगे एंड दैट मींस कि आने वाले जो क्विक डेज होंगे मे बी 10 से 15 दिन वो अच्छे पॉजिटिव साइन की तरफ इंडिकेट करेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल शॉर्ट आवर्स मैंने जो बताया उस पर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट कर रहा है एंड इसी ब्रैकेट के अंदर हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। अभी भी हमने इस ब्रैकेट के बाहर क्लोजर दिखाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे तो वीकली एंड वीकेंड के एंड में ही पता चलेगा, बट यस हम ट्राई कर रहे हैं इस बॉक्स के बाहर जाने के लिए एंड दिस इज रियली गुड साइन। अगर हम इसके बाहर जाते हैं अगले 2-3 हफ्तों में, देन वी डेफिनेटली गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ यू नो big rally in Bitcoin, but still we are in the danger zone. Do remember that monthly chart पे हमें closer मिल गया, monthly chart is really important and अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो overall monthly chart पे मैं बताना चाहूँगा जो closer मिला है मई month का, this is not something good, but yes जो level हमने reach किया है recently डेफिनेटली 21 EMA के बिलो है हम, दिस इज रियली बैड, बट दिस इज अ वेरी फर्स्ट मंथ जब हम 21 EMA के बिलो गए। ऐसा हमने देखा था मार्च 2020 में, बट वेरी नेक्स्ट मंथ क्या हुआ था, so that is the possibilities, but क्या ये इसका मतलब है कि जून का मंथ सीधा हम 37,500 या 600 के ऊपर चले जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है, but अभी भी वर्स्ट के सिनेरियो 26,158 डॉलर पॉसिबल है जून मंथ में। डू रिमेंबर दैट एंड इट इज पॉसिबल, अभी उसमें टाइम लगेगा एग्जैक्ट रिवर्सल शो करने में, बट यस मोमेंटम विल बी द मोमेंटम। अगर मोमेंटम हमारे साथ आता है और हम 21 EMA के ऊपर चले जाते हैं, देन दिस इज रियली बुलिश साइन फॉर द बिटकॉइन फॉर द अपकमिंग मंथ्स एज वेल। बट यस जहां पे क्लोजर लिया है, दिस क्लोजर वाज द अगर मैं बात करूं जनवरी 2021 के बाद से हमें ऐसा अगर हम कहें तो काफी नीचे क्लोज किए हैं, लगभग कह सकते हैं कि फरवरी 2021 या जनवरी 2021 से पहले हमने कभी जो है ऐसा कुछ क्लोजर देखा था इस लेवल के बिलो। लेकिन यस अभी हमने रिसेंटली इस लेवल के आसपास थे 28,000, मैंने आपको कहा था कि किसी भी हाल में अगर 29,000 या 30,000 के ऊपर क्लोजर मिलता है, दिस इज रियली गुड साइन फॉर द बिटकॉइन। एंड हमें जो क्लोजर मिला 31,762 डॉलर, दैट मीन्स कि हम ऑलमोस्ट उस क्लोजर के ऊपर है जो हमें दिसंबर 2020 से मिला, लेकिन जनवरी 2020 में जो हमें मिला था 33,141 डॉलर, उससे हम जरूर नीचे हैं। तो डेफिनेटली जो है लगभग कह सकते हो 1.5 साल का सबसे बॉटम रेंज में मंथली क्लोजर है एंड बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ बाउंस टुवर्ड्स 37,000 इन दिस मंथ। यस दैट विल बी द समथिंग जो बहुत ही क्रूशियल होगा, बट डू रिमेंबर अगर हम 29,000 का लेवल फिर से स्लिप करते हैं दिस टाइम एंड इफ यू आर एबल टू क्लोज द कैंडल ऑन द वन डे चार्ट, देन डेफिनेटली हम 26,000 की तरफ पहले बढ़ेंगे रादर देन हम ऊपर का देखें। बट अभी भी उस समय टाइम है, बट वी आर स्टिल शोइंग सम गुड मोमेंटम। व्हाई? बिकॉज ये जो मंथ है जो आपका जो अब मई मंथ में जो हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था एंड दैट इज एक्सपेक्टेड कि हमें कुछ रिलीफ रैली देखने को मिला वो मिल चुका है। बट यस इसका जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो 33,000 से 36,000 की तरफ है। लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, बट हमें याद रखना है कि अभी भी हम डेंजर जोन में बने हुए हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, but we are still respecting this level and we have just closed our monthly candle just above this box. So this is really good sign and do remember ऐसे कुछ सिग्नेचर हमें दिखे थे मार्च 2020 में भी एंड सिमिलर काइंड ऑफ साइन वी आर सीइंग राइट नाउ। तो क्या वैसा ही मूव होगा जैसे मार्च 2020 के बाद हुआ था? तो इट टेक टाइम राइट, कुछ मंथ्स लगे थे उसको साइडवेज एक्शन से बाहर आने में, बट यस उसके बाद जरूर हमने न्यू रैली देखा था बिटकॉइन में। सो यस वी कैन एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ मूव, बट अभी उस समय टाइम है, अभी जो इमीडिएटली शॉर्ट आवर्स में जो बताया उसको प्रायोरिटी ज्यादा देना है। लॉन्ग आवर्स में ऑब्वियसली प्ले आउट होगा, बट हमें धीरे धीरे करके देखना होगा, कन्फर्म करना होगा। S&P का चार्ट कल के दिन रेडिस क्लोज हुआ, साइडवेज एक्शन है, एक्सपेक्टेड है इसी जोन में हम कुछ दिन गुजारेंगे। इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस लेवल, दिस इज रियली गुड साइन, देन हम 4,341 डॉलर की तरफ बढ़ सकते हैं। बट अभी के लिए गोल्ड कल के दिन हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखा काफी अच्छे तरीके से, बट वी आर स्टिल इन द प्रोग्रेसिव जोन, यानी कि ज्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं रहा है। एंड DXY एज एक्सपेक्टेड
showing some kind of bounce. I am expecting another rejection from 102.367 and वहां तक ये बढ़ सकता है. एंड डेफिनेटली अगर हम उस लेवल को ब्रेक नहीं करते, वहां से रेजिस्टेंस मिलता है, देन देर इज अ हाई चांस कि हम टुवर्ड्स 99 या बिलो 100 लेवल्स आने वाले 10 डेज के अंदर देखें. डोमिनेंस चार्ट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, चाहे बिटकॉइन ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज बिकॉज बिटकॉइन इज ट्रेडिंग बिलो 40,000 एंड दिस इज द लेवल विच आई टोल्ड यू कि 47.66 के लेवल के आसपास ही अब हमें अगला मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा. टिल द टाइम वी आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ स्टिल प्रोग्रेसिव मूव. यूएसडीटी के चार्ट पे वी हैव कम बैक टू दिस चार्ट, बट इसी जोन के अंदर हैं, बट अभी भी हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है. क्या ऊपर मिलता है नीचे मिलता है उसके हिसाब से मार्केट का मोमेंटम डॉलर के टर्म में दिखेगा आपको, बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ अनदर एक या दो दिन लग सकता है अगर हम इस लेवल के नीचे क्लोजर लेते हैं टुवर्ड्स 5.75 या उसके बिलो अगर क्लोजर लेते हैं. दिस इज रियली गुड साइन फॉर एवरी क्रिप्टो करेंसी इन टर्म्स ऑफ डॉलर. बट यस, अभी उसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि अभी भी हमें दो तीन दिन चार्ट पे दिख रहा है साइडवेज एक्शन. इथेरियम का बीटीसी चार्ट डेफिनेटली कल हैवी रिजेक्शन फिर से दिखाया, अभी हम फिर से थोड़ा बहुत रैली दिखाएंगे. आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर बॉन्स टुवर्ड्स 0.065 जो कि अभी भी वैलिड है. एंड डेफिनेटली जो है डॉलर के टर्म में अगर मैं बात करूँ इथेरियम यूएसडी डॉलर पे 21 ईएमए से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है. डेफिनेटली बिटकॉइन अगर रिजेक्ट करता है 30,000 के बिलो, देन गाइस अगेन जो है वापस से हम 1600 लेवल रीटेस्ट करने जा सकते हैं. डू रिमेंबर दैट. एंड अगर हम इस लेवल से होल्ड करते हैं 30,000 या वर्स्ट केस में 29,000 को होल्ड करते हैं, देन वी वोंट सी दैट काइंड ऑफ लेवल. बट यस, हम स्टिल जो है वहाँ पे $1,800 तक जाता हुआ देख सकते हैं इथेरियम को. बट अभी के लिए इमीडिएटली जो अगले 4 to 8 hours है कैसे कैंडल क्लोज लेता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरी नजर रहेगी. और डेली मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ, तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अगर सब्सक्राइब नहीं किया बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि तभी आप मेरे वीडियो जो है मिस नहीं करोगे. तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूँ जल्द अगली इस वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद.